तो दोस्तों कैसे हैं आज आप लोग। आज हम आपको ऐसा यूनिक डिश दिखाने जा रहे हैं जो कि आपने कभी शायद ही देखा होगा, अगर शायद ही खाया होगा। मतलब इतना बड़ा एग रोल होने वाला है आज का, 5 से 6 किलो का एग रोल होने वाला है आज का, जो कि बहुत ही अलग ही दिखता है, बहुत ही बड़ा बनता है, बहुत ही हक साइज़ का रहता है। मतलब देख सकते हैं इतना बड़ा होने वाला है कि आप शायद ही कभी सोचेंगे इतना बड़ा एग रोल। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाएगा, वीडियो पे आखिरी तक जुड़े रहिए। तो आप देख सकते हैं इस पे 6 एग डाले जा रहे हैं, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है इसका। देख सकते हैं अपने 6 एग डल चुके हैं और अब इस पे नमक डल चुका है और इनका कुछ स्पेशल मसाले हैं वो डल चुके हैं और इसे मिक्स कर दिया गया है। और ये रोटी बनाने जा रहे हैं इसका, इसका डो है। तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसे रोल किया जा रहा है आटा लगा के, ताकि चिपके ना। भाई साहब इतना बड़ा चपाती, मतलब क्या ही बताया जाए, इतना बड़ा वो भाई। अब बेलने का स्टाइल भी देख सकते हैं, पूरा हर एक साइड से अच्छे तरीके से रोल किया जा रहा है ताकि कहीं से भी मोटा ना रहे। और इतना बड़ा है कि देख सकते हैं कि मतलब इसे 2 लोग की ज़रूरत है पूरे उठाने में। और पूरा अच्छे तरीके से इसे जमाया जा रहा है उस पर तवा पर, देख सकते हैं अच्छे तरीके से सेका भी जा रहा है इसको, कहीं से कच्चा ना रहे ये। और ये अच्छे तरीके से सेका रहा है ऊपर नीचे करके पूरा, ताकि कच्चापन कहीं से ना लगे खाने में। और ये ऑयल डल चुका है, अब जो थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जैसे पराठा को फ्राई करते हैं। तो अच्छे तरीके से फ्राई करा जा रहा है अभी इसे। देख सकते हैं ब्राउननेस जो आई है ना भाई साहब, बहुत ही शानदार लग रही है, मतलब क्या ही बताया जाए, इतना बड़ा ये देख सकते हैं चपाती बन चुका है एग का। वाह यार क्या दिख रहा है। और अब इस पे देख सकते हैं ऑयल डाल दिया गया है अच्छे तरीके से, इसके ऊपर डल रहे हैं 6 एग अपने जो निकाले गए, 6 एग डल चुका गया है वो भाई, मतलब इतना बड़ा है देख सकते हैं। इसे खाने के लिए आपको कम से कम 6-7 लोग आने पड़ेंगे तभी ये ख़त्म हो पाएगा। ये देख सकते हैं एग अच्छी तरीके से चिपक चुका है रोटी पर, ये देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है, इतना बड़ा एग है। और अच्छी तरीके से इसे साइड टू साइड पकाया जा रहा है ताकि कहीं से कच्चा ना लगे। तो ये देख सकते हैं पक चुका है और इसकी अब स्टफिंग होने जा रही है, जिसमें कि पत्ता गोभी डल रही है बहुत अच्छी क्वांटिटी में, और हाइजेनिक भी बहुत ही अच्छा है इस पर। ये कुछ गाजर और अपने ऑनियन वगैरह डल गया, इनका कुछ स्पेशल मसाला है, सीक्रेट मसाला बोला जाता है, जो कि अच्छी तरीके से चारों साइड से छीटा जा रहा है। और अब ये मेयोनेज डल रहा है, ओ भाई साहब मतलब क्या ही बताया जाए, स्टाइल देख रहे गजब का है, बहुत अलग। और ये अब टोमेटो सॉस, ओ भाई साहब लहरें देख रहे हैं, लहरें असली मज़ा है लहरें देखने में। ये अब सॉस डल चुका है अब अपना, और अब ये जा रहा है ग्रीन चिली सॉस, मतलब ये खुद ही घर पर ही प्रिपेयर करके आते हैं ये, जो कि धनिया मिर्ची वगैरह से बनता है, ऐसे फोल्ड किया जा रहा है। मतलब देख सकते हैं इतना बड़ा है, मतलब पूरा टेबल घेर लिया है ये। और अब इसे फोल्ड किया जाएगा पेपर पे, बटर पेपर है ये, जो कि देख सकते हैं अच्छे तरीके से फोल्ड किया जा रहा है इसे, कि बहुत ही शानदार लग रहा है। वाह यार इतना बड़ा एग रोल है, मतलब क्या ही शानदार है, ये देख सकते हैं। और अब इसके ऊपर से फिर से मेयोनेज़ सॉस और ग्रीन इनकी चटनी डाली जा रही है, मतलब ऊपर से लेके आखिरी नीचे तक का पूरा फुल टेस्ट भर के दे रहे हैं अपने को। और ये अब इनका कुछ सीक्रेट मसाला है, बहुत ही शानदार लग रहा है, ये देख सकते हैं इतना बड़ा एग रोल बन चुका। और अब इसे अपन टेस्ट कर, तो गाइस मतलब ये देख सकते हैं इतना बड़ा मतलब एग रोल बन चुका है, मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट एग रोल बोल सकते हैं इसको। मतलब मेरे ख्याल से ये 5-6 किलो का तो आराम से होगा, क्योंकि इस पर 6 एग डले और कुछ इनकी वेजिटेबल्स हैं, और इतनी भारी मतलब ये चपाती है, मतलब 10 लोग आराम से खा सकते थे। अपन इसको टेस्ट करते हैं, लाजवाब टेस्ट आ रहा है, इतना बड़ा मतलब देख सकते हैं मेरे फेस से भी बड़ा ये एग रोल, और टेस्ट वाइज से भी बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो अगर आपको खाना है तो आपको आना पड़ेगा ये एग लिशियस पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये मरीन ड्राइव पे चौपाटी पड़ती है वहाँ पर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे नेक्स्ट टाइम, बाय।